दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की केंद्र ने राजनीतिक हिंसा पर पश्चिम बंगाल से मांगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार से प्रदेश में राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार को अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हिंसा की घटनाओं की जाँच कराने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सालों से राज्य में हो रही हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भी पश्चिम बंगाल सरकार को दिशा निर्देश जारी किया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि तीन तलाक बिल का संसद में विरोध करेगा जदयू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रमुख घटक और बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड तीन तलाक बिल का लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करेगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने आज यहाँ कहा है कि उनकी पार्टी तीन तलाक विधेयक का संसद में विरोध करेगी। जदयू ने पहले भी सरकार के ऐसे प्रयासों का विरोध किया था और आगे भी इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि जदयू के विरोध के कारण ही इससे संबंधित विधेयक राज्यसभा में ही नहीं आ पाया था। रजक ने कहा कि तीन तलाक विधेयक को लेकर जदयू की राय पहले से ही साफ है। पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि यह समाज से जुड़ा मसला है, इसलिए इस मामले में कोई फैसला लेने का अधिकार संबंधित समाज को न है। इस मसले को अल्पसंख्यक समुदाय पर ही छोड़ देना चाहिए। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने दावा किया कि पार्टी के इस फैसले से भाजपा के साथ उसके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जदयू मजबूती के साथ राजग में है। उन्होंने कहा कि जदयू का भाजपा के साथ जब से रिश्ता है, तब से ही उसका रुख जग जाहिर है कि विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा के साथ नहीं है। राजग ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को समाप्त करने और समान आचार संहिता लागू करने जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जदयू की राय भाजपा से अलग है। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले भी कई बार कह चुकी है कि इन विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा अपना निर्णय थोपना चाहेगी तो वह उसका साथ नहीं देगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा और जदयू के नीति सिद्धांत अलग अलग हैं, तभी तो दोनों पार्टियां भी अलग अलग हैं। दोनों के रिश्ते न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि जदयू ने कभी भी अपनी नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। सांसद सनी देओल बॉर्डर पहुंचकर दूरबीन से देखा निर्माणाधीन करतारपुर कॉरिडोर। जी हां दोस्तों, सांसद बनने के बाद सनी देओल गुरदासपुर पहुंचे, बॉर्डर पहुंचकर दूरबीन से निर्माणाधीन करतारपुर कॉरिडोर को देखा। इस दौरान सनी देओल के साथ भाई दीप संधू के अलावा प्रशासनिक और बीएसएफ अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने दूरबीन से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने के बाद कॉरिडोर के निर्माण कार्यों को देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां पर काम होने के कारण ज्यादा धूल है, जिसके कारण वहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही दिख रहा है। एसडीएम डेरा बाबा नानक गुरसिमरनजीत सिंह ढिल्लों ने रावी दारिया और भारत और पाकिस्तान की चेक पोस्टों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा कॉरिडोर का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारी जतिंदर सिंह ने निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी दिया। उन्होंने सांसद सनी देओल को बताया कि भारत की तरफ से कहां से कॉरिडोर बनाया जाना है। हालांकि इस दौरान सनी देओल ने मीडिया से बातचीत नहीं की। इस संबंध में कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी जतिंदर सिंह ने बताया कि सनी देओल ने उनसे कॉरिडोर को लेकर बारीकी से बातचीत की है। इसके अलावा उन्होंने जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा। जतिंदर सिंह ने भी कहा उन्हें आश्वासन दिया कि कॉरिडोर का काम तय सीमा सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैनचेस्टर के मैदान में टीम इंडिया से भिड़ेगा पाकिस्तान, जाने किसका पलड़ा भारी। जी हां दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 22वें और सबसे बड़े मुकाबले में आज टीम इंडिया का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान में होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान में होने वाले इस मैच में बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है।
रही हैं। विश्व कप 2019 में अभी तक बारिश की वजह से कुल 4 मैच रद्द कर दिए जा चुके हैं, जिनमें से भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला भी शामिल है। विश्व कप में भारत पाकिस्तान का आमना सामना विश्व कप मुकाबले में अभी तक टीम इंडिया और पाकिस्तान का सामना 6 बार हो चुका है और सभी मैचों में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने पाकिस्तान को सबसे पहले 1992 में विश्व कप में हराया था, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप 1996 विश्व कप में, 1999 विश्व कप में, 2003 विश्व कप, 2011 और विश्व कप में 2015 में भी हराया था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और इसके करोड़ों फैंस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि विश्व कप 2019 का ये सबसे बड़ा मैच बारिश की वजह से बाधित हो। यदि 16 जून को होने वाला भारत पाकिस्तान मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो विश्व कप इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ कोई भी अंक अर्जित नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में पार्ले जी बिस्किट कारखाने में 26 बच्चे बचाए गए। 26 बच्चे को पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री से निकाला, बाल मजदूर में था संलिप्त। ज्यादातर बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। जिला कार्यबल DTF ने एक लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड पार्ले जी की विनिर्माण इकाई से वहां मजदूरी कर रहे 26 बच्चों को बचाया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी नवजीत स्वर्णकार ने शनिवार को कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर हमने एक अभियान चलाया और पार्ले जी बिस्किट कारखाने से 26 बच्चों को बचाया। बचपन बचाओ आंदोलन BBA को रायपुर में अमासिवनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बच्चों के काम करने की सूचना मिलने के बाद अभियान चलाया गया। बचाए गए अधिकांश बच्चों की आयु 12 से 16 वर्ष के बीच है और वे झारखंड, ओडिशा और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बच्चों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार प्रतिमाह केवल 5,000 से 7,000 रुपए तक के वेतन में वे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम किया करते थे। BBA के CEO समीर माथुर ने कहा कि पार्ले जी जैसा ब्रांड हमारे देश में एक घरेलू नाम है और लाखों बच्चों के बीच इसकी पहचान है। उसे इस पे देखना बहुत निराशाजनक है। बचाव कार्य के बाद बच्चों को राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल गृह भेज दिया गया और JJ एक्ट की धारा 79 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। विकास के लिए धन की कमी नहीं, मोदी ने कहा 5,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए शनिवार को कहा कि वर्ष 2024 तक देश को 5,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य है। मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की संचालक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आय को रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और राज्यों को निर्यात संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हाल ही में संपन्न आम चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी को देश के विकास के लिए काम करने का समय आ गया है। उन्होंने गरीब, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, प्रदूषण, भ्रष्टाचार और हिंसा आदि से सबको मिलकर लड़ने की अपील करते हुए कहा कि टीम इंडिया के इस मंच पर हर किसी का एक ही लक्ष्य वर्ष 2022 तक नए भारत का निर्माण करना है। स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना को मिली सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के साथ मिलकर काम करने से यह सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्तिकरण और जीवन यापन में सुगमता प्रत्येक भारतीय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 2 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए और देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के कार्यकर्ताओं से हर मंगल और गुरुवार को मिलेंगी प्रियंका वाड्रा। प्रदेश में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगी कांग्रेस महासचिव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के मकसद से प्रदेश कार्यकर्ताओं से सप्ताह में 2 दिन मुलाकात करेंगी। कांग्रेस सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमती वाड्रा यहाँ पार्टी मुख्यालय में हर मंगलवार तथा गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत बनाना है इस बारे में उनकी राय जानेंगी। उन्होंने बताया कि श्रीमती वाड्रा से
मुलाकात के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से ही मिलने की इजाजत लेने की औपचारिकता का निर्वहन नहीं करना पड़ेगा। श्रीमती वाड्रा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर जब कार्यभार ग्रहण किया था तो अपने कक्ष में उन्होंने रायबरेली और अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार श्रीमती वाड्रा मिशन 2022 में जुट गई हैं। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि इन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी सौंपे जाने का लक्ष्य 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आधार तैयार करना है। हाल ही में श्रीमती वाड्रा ने रायबरेली दौरे में पार्टी के लिए काम नहीं करने वाले कार्यकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, जिससे कि हम आपके राज्य की हर न्यूज आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।